Hello everyone, a very warm welcome to all of you to this session. I'm Dr. Charu Sethi from Unitas One Health Academy. One Health Academy, which is started under the guidance of Dr. Shikha Sharma, believes in the principle of Vedic nutrition. We have a variety of Vedic nutrition courses in which we teach our students about the concept of modern and Ayurvedic nutrition. Also, after learning from these courses and the kind of knowledge they get, they start implementing it not only on themselves personally, for their family members and their close ones, but they can also use it as a profession. There are so many success stories of our students who have done courses from Unitas, and they are doing very well as health coaches and Vedic nutritionists. So it is always a pleasure for me to invite our students, our alumni in this session and hear from them about their experiences with Unitas. It's a great pleasure for me today to invite another student, a very dedicated and a hardworking student, Ms. Pooja Pandey, who is from Mumbai. She herself is a fitness coach, and also, apart from that, she wanted to use the knowledge of Vedic nutrition, and together she wanted to help the people. So let's hear out from Pooja about her experiences with this courses that she has done with us, and also what kind of knowledge she has gained. Pooja is pursuing the Vedic Advanced Professional course with us and is also looking forward to join the Vedic Intermittent Fasting course. So a very healthy afternoon to you, Pooja. How are you? Good afternoon, ma'am. I'm fine. How are you? I'm also good. Thank you so much. So, Pooja, आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि आपका क्या प्रोफेशन है और आपको यूनिटस एकेडमी के बारे में कैसे पता चला और आपने ये कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए क्यों सोचा? मैम, जैसे कि मैं लास्ट 4 इयर्स से मैं फिटनेस इंडस्ट्री में हूँ और मैं होलिस्टिक फिटनेस एंड लाइफस्टाइल कोच हूँ, तो मैं लोगों को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली फिट रहना सिखाती हूँ. तो समहाउ मैं अपने आप को तो हेल्प कर पा रही थी फिजिकली मूवमेंट कराकर, और अपने स्टूडेंट्स को भी हेल्प करा पा रही थी. पर लास्ट ईयर जैसे कि काफ़ी टाइम मुझे ट्रैवल करना पड़ा, इंटरनेशनल ट्रिप्स काफ़ी थे मेरे, तो उसमें क्या हुआ कि मेरी प्रैक्टिस थोड़ी कम हो गई. और मुझे क्या इश्यूज हो रहे थे कि मुझे इम्यूनिटी जैसा, मुझे ऐसा लगा जैसे लो हो रही है, मुझे सर्दी जुकाम ऐसे जल्दी जल्दी होने लग गए. और समहा मुझे लग रहा था कि ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए. एज अ फिटनेस कोच मुझे इस सब चीज़ का सोल्यूशन मेरे पास होना चाहिए. तो जैसे कि मॉडर्न न्यूट्रिशन मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती ही थी, लेकिन मुझे समहाउ हमेशा से क्यूरियोसिटी थी कि आयुर्वेद साइंस जो है वो मुझे उसकी नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है. तो मैं आई वॉज लुकिंग आउट फॉर द सोल्यूशंस. तो क्या हुआ कि सडनली इंस्टाग्राम पे मुझे डॉक्टर शिखा मैम का एक रील जस्ट मेरे पेज पे पॉपअप हुआ, और फिर मैंने वो जब रील देखा तो मुझे समझ में आया कि ये भगवान का ही एक सिग्नल है कि देखो आपको जो चाहिए वो मैं आपको दे रहा हूँ. तो ये सही टाइम था, और फिर मैंने वो तुरंत ही मैंने वो कोर्स ज्वाइन कर लिया. तो इससे फिर मुझे आपकी ट्रेनिंग में तो मतलब काफी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे पास एक प्रॉब्लम के 5-6 सोल्यूशन है मेरे पास. तो मतलब मैंने काफी अपनी हेल्थ पे भी, मेरे बहुत ज्यादा सुधार आ गया, और मेरे फैमिली मेंबर्स की भी हेल्थ पे मैं काम कर पा रही. थैंक यू सो मच फॉर दैट अप्रिसिएशन, पूजा. सो आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएंगे कि इस कोर्स में आपने क्या पढ़ा, व्हाट डिड यू स्टडी, एंड हाउ, जैसे आपने कहा कि आपने अपनी हेल्थ को भी इम्प्रूव कर पाए, सो किस तरह से आपने उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट किया, आप सबसे पहले अपने ऊपर? जैसे कि ये कोर्स के थ्रू मुझे मैक्रो डाइजेशन और माइक्रो डाइजेशन के बारे में आप लोगों ने जो नॉलेज दी, और इसको कैसे किया गया है कि मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद साइंस एक तरह से इंटरलिंक्ड है, और इनको आपने कैसे एक दूसरे के थ्रू आपने इंटरलिंक करके आपने जिस तरह से समझाया है ये प्रैक्टिकली, पहले आपने वैदिक एस्पेक्ट्स सारे बताए हैं कि आयुर्वेद के हिसाब से किस तरह से धातु होती है, 7 धातु है, 3 दोषाज हैं, और उसी तरह से आपने फिर न्यूट्रिशन मॉडर्न साइंस का पर्सपेक्टिव बताया.
तो कैसे इसके थ्रू दोनों एक हैंड टू हैंड जाके दोनों साइंस आप कैसे अपने हेल्थ को आप एक एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं, तो ये बहुत हेल्प हुआ ये नॉलेज मुझे। और और अपने ऊपर आपने कैसे इंप्लीमेंट किया क्या? मैम जैसे कि मैं काफी मैं अराउंड अराउंड 15 इयर्स तक मैंने थायराइड की टैबलेट्स ले रही थी। मैं बहुत यंग एज में मुझे डायग्नोस हो गया, तो मुझे ये समझ में आया कि मुझे इतनी यंग एज में थायराइड क्यों हुआ, क्योंकि आई वाज हैविंग मल्टीपल स्ट्रेस इश्यूज थे और प्रॉब्लम्स थी, पर उस प्रॉब्लम्स का मेरे पास सोल्यूशन नहीं था उस टाइम पे। मेरी एज बहुत कम थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन इवेंचुअली मैंने ना काफी सालों तक मैंने सर्च किया कि मैं हमेशा से फिजिकली एक्टिव रही हूँ और स्पोर्ट्स में एक्टिव रही हूँ, डांस में एक्टिव रही हूँ, हर चीज में एक्टिव रहने के बाद भी मुझे ये इशू क्यों हुआ, उसके काफी सालों तक मैंने ये सोचती रही और मैंने सोल्यूशन काफी ढूंढे, तो मुझे समझ में आ रहा था। जैसे हम हमारे फिटनेस इंडस्ट्री में भी यही कहते हैं कि हम फिट मूवमेंट इज अ फिटनेस है ना, आप जब वो मूवमेंट इज अ मेडिसिन, मतलब आप मूवमेंट करोगे तो वो मेडिसिन का काम करेगी, उसी तरह फूड इज ऑल्सो अ मेडिसिन। तो आप फूड के थ्रू भी कैसे आप उसको मेडिसिन में कन्वर्ट करके ऐसा खाना खा के आप फिट रह सकते हो, तो ये मुझे समझ में आया और धीरे धीरे सोल्यूशन मिलते गए और आज मैं यहाँ पर एक वेदिक न्यूट्रिशन पे मैंने फाइनली लैंड किया है। तो मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने ये डिसीजन लिया और भगवान ने मेरी हेल्प की और आपके थ्रू मेरी मतलब ये हेल्प मिली, तो मैं आई एम वेरी ग्लैड करेक्टली, और मतलब मैं बहुत ग्रेटफुल भी हूँ भगवान के प्रति कि आप मुझे मिले। ये देखिए, टीचर का काम होता है नॉलेज शेयर करना, स्टूडेंट का काम होता है उस नॉलेज को लेना और उसको समझना, उसको इम्प्लीमेंट करना। सो यू आर ऑल्सो अ वेरी डेडिकेटेड स्टूडेंट वेयर यू लर्न एंड यू इम्प्लीमेंटेड इट। सो आगे आप इसको एज अ प्रोफेशन भी यूज करना चाहते हैं इस नॉलेज को? यस मैम डेफिनेटली, मैंने जैसे कि मैं अपने मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं मार्शल आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनकी कोचेस को भी ट्रेन करती हूँ, तो मैं उनकी भी हेल्प करती हूँ। एज सच इनिशियली मैं अभी इंटर्नशिप फेज में हूँ, तो मैं अभी मतलब बेसिकली मैं अभी सिर्फ एज अ एक्सपीरियंस लेने के लिए मैं लोगों की हेल्प कर रही हूँ कि आपको जो भी इशू है, आई एम स्टडिंग देयर दिस थिंग, विकृति जो भी उनकी है वो सब मैं स्टडी कर पा रही हूँ और उनको सोल्यूशन मैं धीरे धीरे दे पा रही हूँ। अच्छा, तो इनिशियली कैसे कि अभी आप क्या कर सकते हैं, आप 1 वीक का डाइट प्लान बना सकते हैं, फिर आप उनको और डायग्नोस करेंगे कि अब आपने क्या इम्प्रूवमेंट आया है और क्या नहीं आया है, उसके थ्रू फिर आप आगे जाके उनको और हर्ब्स ऐड कर सकते हैं उनके डाइट में जी और कैसे उनको सोल्यूशन मिलेगा वो हेल्प हो सकती है मैम। डेफिनेटली। सो हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस विद यूनिटस? जो आपने ये कोर्स ज्वाइन किया, आपके जो कोर्सेस कंडक्ट होने के जो चैनल्स थे, जो प्लेटफॉर्म्स थे, सेशंस के बारे में और जो कोर्स कंटेंट था, उस सब से रिलेटेड आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा यूनिटस के साथ? मैम जैसे कि ज्वाइनिंग बहुत इजी थी कि मतलब मैंने पेमेंट कर दिया ऑनलाइन और हर चीज फॉलो अप करने के लिए सब लोगों मतलब जितने भी आपके स्टाफ हैं सब लोग ने कनेक्ट करने में मेरी हेल्प की। मतलब मैं इतनी टेक्नो सेवी नहीं हूँ, पर समहाउ मैंने जो कॉलेज टाइम पे मैंने इतना किया था वो मैं भूल चुकी थी, पर मैंने अभी अपना PPT भी खुद बनाया और सारी फाइल सब बना पाई मैं, तो मतलब बहुत हेल्प मिली। एक्चुअली इट वाज वेरी इजी क्योंकि आपने जो लिंक दी थी उसे कनेक्ट करना बहुत ही इजी था, वो एक ही लिंक थी तो वो लिंक। हाँ, और जो भी आपका जैसे कंटेंट है जैसे कि आपने नोट्स जो दिए हैं और जो हम PPT के थ्रू हमने पढ़ा, तो उसके भी मैंने काफी चीजें मैंने उसको रिकॉर्डेड, आपके जो सेशंस हैं वो भी हेल्प किया काफी, मैंने अपने सेल्फ नोट्स बनाए जिसमें मैं अभी रिफर कर सकती हूँ। मतलब एक आप जैसे कॉलेज टाइम पे आप पढ़ते हो, आप अपने हाईलाइट कर लेते हो अपने की पॉइंट्स, तो वैसे मैं कर लेती हूँ और मैं हेल्प मिल जाती है मुझे कि काफी इजी आपका जो जो पोर्शन भी जो बनाया हुआ है बुक में टेक्स्ट वो बहुत एक कॉम्पैक्ट है कि आपको एकदम क्रिस्प है कि जो चीज इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो आपने एक पैरा पढ़ लिया तो उसमें आपको सारे कीवर्ड्स मिल जाते हैं और एक ऐसा प्रिसाइज बनाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि बहुत लेंदी नोट्स है कि आपको बार बार बहुत ढूंढ ढूंढ के आपको
पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो वो काफी अच्छा है, तो पढ़ने में बहुत ही इजी है और समझने में तो आपने अच्छा समझा ही दिया। सो जो ऑनलाइन सेशंस आप लेते थे एंड लेते हैं अभी भी, आपका इंटर्नशिप चल रहा है, सो ऑनलाइन सेशन आपको ऐसा नहीं लगा कि आप घर में बैठ करके आप क्लासेस करें, सो इट वाज वेरी कन्वीनियंट फॉर यू टू लर्न? यस मैम, अगर मैं ऑफलाइन करना चाहती और जाती कहीं पे, तो मेरा एक तो पहली बात तो ट्रैवलिंग में मेरा टाइम वेस्ट बहुत होता, और एक टाइम निकालना, बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्किंग, मेरे हस्बैंड के भी ऑफिस में मैं हेल्प करती हूँ उनकी, तो वो भी मुझे जाना होता है ऑन एंड ऑफ, तो मेरे कन्वीनियंट के हिसाब से बच्चों पर भी मैं ध्यान दे सकती हूँ और घर पर ही मैं अपने टाइम कहीं पे भी कनेक्ट कर सकती हूँ। मैं कभी ट्रैवल भी कर रही हूँ तो भी मैंने कनेक्ट किया, मे भी मैंने ऑडियो ज्वाइन नहीं किया होगा एक दो दिन पर, लेकिन मैंने सुना, सारा सेशंस आपके सुने हुए हैं मुझे, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मुझे रिकॉर्डेड सेशन कभी भी सुनने की जरूरत पड़ी, और वो तो है कि वो अवेलेबल है, मुझे पता है एनी टाइम, लेकिन जो आपका लाइव सेशन करना और एक ही बार में समझ लेना, दैट इज डिफरेंट एक्सपीरियंस, तो वो ही मुझे डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है। यस मैम, डेफिनेटली, एंड यू आर वेरी रेगुलर एंड कंसिस्टेंट विद योर सेशंस, यू आई डोंट थिंक यू यूज्ड टू मिस एनी ऑफ द सेशंस, एंड दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज बेटर, इवन दो इट इज ऑनलाइन, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू बी इन प्रेजेंट इन द क्लास, बिकॉज अ लाइव सेशन इज अ मोर इंटरैक्टिव सेशन, आप साथ साथ आपके मन में जो भी सवाल आ रहे हैं आप साथ साथ टीचर से पूछ सकते हैं, और वहीं पर टाइम टू टाइम वो सारे आपके जो भी कंफ्यूजन्स हैं वो क्लैरिफाई किए जा सकते हैं। सो यस पूजा, आप यू आर अ वर्किंग वुमन, यू आर इन टू योर ओन प्रोफेशन, यू आर हेल्पिंग योर हस्बैंड ऑल्सो विद हिज वर्क, सो वी हैव अवर व्यूअर्स हु आर वॉचिंग दिस सेशन राइट नाउ, वी आर हैविंग देम फ्रॉम ऑल क्लास ऑफ वर्क, लाइक देर आर सर्टन पीपल हु आर होम मेकर्स, सम ऑफ देम आर वर्किंग वेमेन, सम आर लाइक दे आर स्कूल सॉरी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, दे ऑल वॉन्ट टू लर्न अबाउट द वेदिक न्यूट्रिशन, सो आपका उनके लिए क्या एक सजेशन रहेगा कि क्यों ये वेदिक न्यूट्रिशन कोर्सेज उनके लिए अच्छे हैं ज्वाइन करने? मैम, जैसे मैं तो सजेस्ट करती हूँ कि एवरी ह्यूमन बीइंग शुड अटेंड दिस, नॉट ओनली होम मेकर, क्योंकि अगर आज के टाइम आप देखो तो लाइफस्टाइल इश्यूज तो सब सब किसी को, मतलब हर कोई को है, और इतना स्ट्रेस वाला लाइफ हम जीते हैं आजकल, मतलब छोटे छोटे बच्चों को आप देखोगे, जैसे कि हमारे टाइम पे कभी सोशल मीडिया और ये सारी चीजें नहीं थी एक्सेस करने के लिए, और तो क्या होता था कि हमारे पास फ्री टाइम होता था, हम लोग है ना मेंटली फ्री होके हर चीज सीख पाते थे, अच्छे से ग्रास्प कर पाते थे। अभी लोगों के पास इतना कुछ है सीखने के लिए, छोटे छोटे बच्चे जो है ग्रोइंग अप एज में है, उनके पास इतना ज्यादा लोड है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनको तो हर चीज करनी है, उनको ऐसा लगता है कि अभी जो जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो भी सीखनी है, वो भी सीखनी है, मतलब वो लोगों के पास कितनी सारी चीजें हैं सीखने के लिए। लेकिन आप करिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सबको सीखना चाहिए कि फ्लो में आपको कितनी टेक्नोलॉजी आ रही, सबकी नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन सब उस सबके साथ में आपकी हेल्थ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हेल्थ आपकी सही है तो आप हर चीज को आप यूज कर यूटिलाइज कर पाएंगे, हर चीज को आप लग्जरी लग्जरी इंजॉय कर पाएंगे आप लाइफ में, आप टेक्नोलॉजी अच्छे से यूज कर पाएंगे, आप मेंटली आप रिलैक्स मोड में रहेंगे, और आपका गोल, आपको फोकस आपका बढ़ेगा, और आपको पता चलेगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो छोटे छोटे बच्चों को लाइफस्टाइल इश्यूज हो रहे हैं, है ना, इतने सारे ओबेसिटी इतने कम एज में हो रहे हैं, तो बच्चों को भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जो हमारे स्कूल स्कूल सिलेबस में नहीं सिखाया जाता। नहीं, और मैं तो आई वुड सजेस्ट कि मतलब कि ये जो वैदिक साइंस वैदिक न्यूट्रिशन है, ये हर बच्चों को इसकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके बॉडी में मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है अगर आप ही नहीं जान पाएंगे, तो जो घर में खाना बनाने वाली है वो आपकी क्या हेल्प कर पाएगी, अगर मेड्स आ रही है कुक आ रही है किसी के घर में, वो अपने मन से कुकिंग ऑयल डाल रही है, अपने मन से वो लोग खाना बना के आपको दे रहे हैं, लेकिन आपकी प्लेट में क्या आ रहा है, आपके हेल्थ के लिए क्या, आपके बॉडी टाइप के हिसाब से वो खाना आ रहा है क्या, आपको उसकी जरूरत है, वो खाना सही तरीके से बना है, तो वो चीज आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जब आप अपने बारे में आप पता कर लेंगे ना, तो लाइफ विल बी बेटर। तो डेफिनेटली हर लोगों को ये कोर्स करना चाहिए, मैं तो बोलूंगी, क्योंकि
मतलब स्पेशली लेडीज तो आजकल इतनी मतलब मल्टी टैलेंटेड है, हर चीज कर पाती हैं वो। और सिर्फ अपने लिए 1 घंटा निकालना, वो भी वीक में 3 दिन, आपकी नॉलेज आपकी बढ़ेगी और आपको मतलब किसी डॉक्टर की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। कभी किसी का डॉक्टर का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। एक्चुअली मैं पहले जब मेरा डायग्नोस हुआ था हाइपोथायराइड, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं उनके एक मल्टी लेवल मतलब वो क्लिनिक थी, मैं गई थी हस्बैंड वाइफ से। तो मैं जब गई वहां पर दिखाने के लिए मेरा रिपोर्ट्स, तो वहां पे 5-6 पेशेंट्स पहले से बैठे हुए थे। और मुझे सडनली ऐसा चीज, ऐसा फील कभी नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं किसी की शांति प्रेयर में आई हुई हूँ। मतलब सब लोग ऐसे मतलब मॉर्निंग वाली इसमें थे ना, मतलब इतनी सैड थे कि मतलब सब लोग ठीक ठाक थे। ऐसा कुछ नहीं था कि कोई बहुत सीरियस है कोई पेशेंट या ऐसा कुछ है। मतलब उन लोग इतना स्पेस से आप देखेंगे ना तो इतने दुखी थे। तो मैंने ऐसे सोचा कि मैं तो अभी मतलब 20 साल की हूँ और मैं ये इस जगह पे क्यों हूँ, मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ। और मैं जैसे अंदर भी गई डॉक्टर को मिलने, तो डॉक्टर की वाइफ और डॉक्टर भी थे, दोनों थे। मतलब मैंने ऐसा चेहरा कभी नहीं देखा होगा, इतना सैड मुंह बना के दोनों जन बैठे हुए थे, जैसे कि मुझे मतलब लाइलाज कोई बीमारी हो गई है और क्या हो गया है। मतलब मैंने तो है ना, मैंने बोला इस मतलब उसके बाद मैंने मतलब नो ऑफेंस टू एनीवन, पर मैंने मैंने ये ठान लिया कि मैं इस डॉक्टर का मुंह आज के बाद कभी नहीं देखूंगी। मतलब नाउ ये कोर्स करने के बाद आपको समझ आया होगा दैट हाइपोथायरॉयडिज्म इज समथिंग विच इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, बट ऑफ कोर्स आप उसको काफी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं बाय टेकिंग केयर ऑफ द डाइट, बिकॉज यू नो कि कौन से दोष के इम्बैलेंस के कारण और क्यों होता है. सो इफ यू डू नॉट, इफ अ पर्सन इज प्रोन टू हाइपोथायरॉयडिज्म और प्रोन टू दीज काइंड ऑफ कंडीशंस, मे बी अ जेनेटिक हिस्ट्री, सो उनको कफोजेनिक आहार का सेवन नहीं करना है. यदि वो नहीं करेंगे तो उनको इस तरह की बीमारियां, ये नहीं है कि नहीं आएंगी, बट यस काफी हद तक हम उनको प्रिवेंट भी कर सकते हैं. डेफिनेटली इस तरह का नॉलेज आप लोगों को इन कोर्सेज में मिलता है, एंड आई एम सो हैप्पी टॉकिंग टू यू दैट यू हैव गॉट सो मच ऑफ नॉलेज आफ्टर लर्निंग फ्रॉम अस फ्रॉम अवर अकेडमी अबाउट वैदिक न्यूट्रिशन, एंड यू लुक फॉरवर्ड टू स्टार्ट यूजिंग इट एज अ प्रोफेशन. आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड टू हैव यू इन दिस सेशन. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच पूजा. Anything more you want to add on about Unitas and you want to tell our viewers? मैम जैसे मैं बोलती हूँ, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. डॉक्टर शिखा मैम को ना पता है, मैं स्कूल टाइम में थी ना, तब मैं उनके NDTV इमेजिन या ऐसे किसी फिटनेस वाले चैनल पे ना, लाइफस्टाइल वाले चैनल पे उनका बीच बीच में ना एक शो में दोपहर के टाइम 3 बजे के टाइम उनका छोटा छोटा इंटरव्यूज मैं देखती थी। तो तब से मैं मतलब फैसिनेटेड थी उनकी पर्सनालिटी से, कि मतलब जो भी वो बोलती थी इतनी कन्विक्शन के साथ बताती थी। तो मैं तभी से मैं उनको फॉलो कर रही हूँ। मतलब कि मुझे अच्छा लगता था कि ये बहुत एक बोलते हैं कि डॉक्टर्स हैं, दे आर लाइक वी ट्रीट हिम लाइक गॉड की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं डॉक्टर्स को। तो मैं ऐसा नहीं है कि कोई भी अदर जैसे मॉडर्न साइंस है और एलोपैथी है, मैं किसी को खराब नहीं कह रही हूँ, लेकिन जब आपको ना मॉडर्न साइंस भी अच्छा है, लेकिन उस समय अच्छा है जब आपको इमरजेंसी हो, आपको कोई सोल्यूशन नहीं हो, मतलब एक लाइफ और डेथ का आपको कुछ रीजन हो, तब आप एलोपैथी की हमेशा हेल्प लीजिए, सर्जरी में हेल्प लीजिए, है ना, जब आपके पास कुछ भी सोल्यूशन नहीं है। लेकिन छोटी छोटी चीजों के लिए आपको खुद अपने आप की हेल्प करनी करनी चाहिए। और आपकी नॉलेज के थ्रू जैसे कि किचन फार्मेसी हमारी इतनी अच्छी है, तो एक किचन फार्मेसी में हमें रोज के जो हमारे हर्ब्स है, हम लोग अगर वो भी ऐड करके अपनी प्रकृति के अनुसार अगर हम लोग उसका सेवन करें, तो आपको इतनी दिक्कत होने वाली ही नहीं है। मतलब ये इतनी अच्छी बात है कि हमारे हमारा वैदिक साइंस, आयुर्वेद साइंस इतना महान है, और हम लोग इंटरनेशनली मतलब इन्फ्लुएंस होके कभी प्रोटीन पाउडर पी रहे हैं, कभी ओट्स और वो सब खा रहे हैं, है ना। मतलब उससे बुरा क्या होगा कि मतलब ये इंडियंस को जागरूक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और आप लोग ये काम कर रहे हैं, तो मतलब इट इज कमेंडेबल और आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझे आप लोगों से सीखने का मौका मिला। थैंक यू सो मच एंड फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ यूनिटस, एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस विद आवर व्यूअर्स.
So a very good luck to you, and looking forward to see you in other batches. Thank you so much. Have a great day. Thank you so much. Thank you. See you.